टमाटर से बनाइए फेस पैक, आपके फेस को बना देगा बेहद खूबसूरत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताऊंगी जिसके यूज से आप पा सकते हो खूबसूरत और चमकती हुई त्वचा। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं जाना है और आपका फेस ग्लो नहीं कर रहा है तो आप इस रेमेडी का यूज जरूर करें और अपने फेस को फेयर एंड ब्राइट बनाएं। सो गाइज, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी नई यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इस रेमेडी को बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है टमाटो। आपको लेना है हाफ टमाटर और फिर आपको इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। गाइस, मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ओनली टमाटर के अंदर का गूदा चाहिए, बाहर का छिलक नहीं। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे जिससे कि टमाटर के अंदर से अच्छे से सारा रस निकल जाए। इसके बाद आपको इसे एक कटोरी में निकाल लेना है। और फिर स्पून की हेल्प से ऐसे पुश करते हुए इसे थोड़ी देर के लिए चलाना है जिससे कि इस गूदे का एक पेस्ट बन जाए और आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स कर सकें। इसके बाद आपको इसमें एक चुटकी नमक ऐड करना है। फ्रेंड्स, नमक हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन को साफ करता है और रोम छिद्रों से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आपको इसमें मिक्स करना है एक चुटकी नमक। फ्रेंड्स, आपको इतना ही नमक ऐड करना है जितना मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना है। अब आपको इसमें तीसरी चीज जो ऐड करनी है वो है बेसन। फ्रेंड्स, बेसन हमारी स्किन को निखारता है और स्किन से एंटी एजिंग की समस्या को भी दूर करता है और साथ ही ये स्किन टेनिंग को कम करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। अब आपको इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है वो है 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल। गाइस, एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स तो सभी जानते हैं। ये हमारी स्किन से कालापन दूर करता है और साथ ही पिंपल्स रिंकल्स की समस्या को दूर करके हमारी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाता है। अब आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इसमें अलग से कुछ भी चीज ऐड नहीं करनी है, नींबू तो बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें नमक ऐड किया है और नमक हमारी स्किन पर नींबू के जैसे ही काम करता है। और अगर आपको इसमें नींबू ऐड करना है तो आप इसमें नमक ना ऐड करें। गाइस, ये रेमेडी आपकी स्किन से कालापन दूर करेगी और साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बना देगी। आप इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करें और 10 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। 10 मिनट से ज्यादा आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है और फिर अपने फेस को सिंपल वाटर से वॉश कर लें। आप इस रेमेडी का यूज वीक में 1 से 2 बार अपने फेस पर करें और फिर आपको इससे जो भी बेनिफिट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।